अच्छा जी। और बस यही चीज है, पहले वाली बची दो जगह जो वाली जी। हाँ ये पहले वाली चीज है, प्लास्टर किया हुआ। हाँ जब ये स्तूप बनाया गया होगा ना। हाँ यहाँ से आता था। और इंटे भी इसपे 12 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी इंटे लगी। शुरू से ऐसे ही है, इसके अंदर जाने का रास्ता कोई शुरू से नहीं है। ऐसे ही है, शुरू से ऐसे ही है। एक बाई एक की इंट लग रही है, एक बाई एक की, एक बाई एक की। हाँ एक फुट लंबा एक। अच्छा जी, जब वैसे वो आवा यहाँ से। हाँ वो परिक्रमा करते हैं वो तो। अच्छा, नीचे परिक्रमा करते हैं ना इनका, तो आप करते हैं। हाँ जी ठीक है, चक्कर लगाते हैं। हाँ चक्कर लगाते हैं। अच्छा जी, ये प्लास्टर है जो आज के टाइम में हम करवा दे, वो पहले के टाइम का प्लास्टर ही है। हाँ जब ये स्तूप बनाया गया होगा ना, जब ये का प्लास्टर है। अच्छा, जब ये रिपेयर करी थी ना, इसकी खुदाई करी थी, तो जितनी ये जो आ रहे ऊपर है ना, इतनी और नीचे है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, जितने ऊपर है उतना नीचे है। नीचे है इतना, जितनी है ये मीनार जिसकी मान लो। बीच में हॉल सा होगा या ऐसा ही है? नहीं हॉल सा नहीं आया है, तो सारा ठोस एंटो से बना हुआ है पूरा, नीचे से पूरा ऐसे बना नीचे। हाँ इधर पूरा इधर से ही घुमा दीजिए एक बार, इधर से घुमा बता दीजिए। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको, ये बहुत ही। एक उड़ीसा में, एक स्कूप को उड़ीसा में खोला था सरकार ने। उड़ीसा के अंदर स्कूप खोला था। हाँ वो उसमें मतलब भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो प्राचीन इतिहासकार हैं वो बताते हैं भी। अच्छा। जहाँ जहाँ भी स्तूप बनाए गए जी, ये सारे अशोक सम्राट ने बनवाए, और इनके अंदर भगवान बुद्ध का कोई ना कोई अवशेष रखा हुआ। कहीं पर नाखून रख दिया, कहीं पर दांत रख दिया, भगवान बुद्ध के कहीं पर नाखून, कहीं पर हाथ, कहीं पर हाथ। देखो आप उस तरीके से बना, ये झंडे बाबा ये वो ही लगा के जाते हैं, विश्व शांति के लिए लगा के जाते हैं। विश्व शांति के लिए। हाँ। इसमें कुछ मंत्र अंतर लिखे, मंत्र लिखा हुआ इसके ऊपर। जैसे जैसे ये नहीं, उर्दू में नहीं है ना, पाली भाषा है ये, पाली वही इसको पढ़ते हैं, वही बोलते हैं इसको। तो हमने चेक किया, भाषा समझ में आ रहा है। ये सब मंदिर है वो उन्हीं के मंत्र मंत्र लिखे, ये सारे मंत्र मंत्र सब। हाँ हाँ एक अंत में पूजा पाठ करने के लिए 8 फीट का इसको ना एक गोभटा ऐसा बना रखा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ इसके ऊपर पहले झाड़ जू उड़ी तो काफी फैला हुआ था। आप कहाँ से हो सर? मैं यही बूढ़िया से। अच्छा अच्छा। ये कितने साल पुराना है? ये 25 साल पुराना है जी लगभग। अच्छा 25। जो हमारे वैज्ञानिक ने आर्कियोलॉजिस्ट को बताते हैं 2500 साल पुराना। हाँ 2500। जब अशोक सम्राट ने आखिरी युद्ध लड़ा ना उड़ीसा में कलंक का। हाँ, तो जब महात्मा बुद्ध से अशोक सम्राट का मतलब मेल जोल हुआ, उन्होंने उसको बताया भी आपने ये गलत किया, लड़ाई झगड़ा, किसी की बांह काट दी, किसी का सिर काट दी। सही बात है। तो उसके बाद अशोक सम्राट ने परम कर लिया, क्योंकि आज के बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने फिर जितने भी धार्मिक काम किए तो यही किए। 2500 साल पुराना ये महात्मा बुद्ध के। हाँ 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 हाँ। ये जो गेट है ये सारा अशोक सम्राट से संबंधित है इसके ऊपर। ये जो गेट बना हुआ। अच्छा 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 अच्छा। ताऊ जी एक बात बताओ, आप कितने साल के हैं? भाई मैं 1993 में भर्ती हुआ था। हाँ जी 1993 में। 1993 में अंकल भर्ती हुए और 2020 में रिटायर हुआ था। 2020 में रिटायर हुए। अब मैं डीसी रेट पे हूँ इसकी देख रेख के लिए, और थोड़ा ये फूल पौधे लगा लेते हैं। यही देख रेख करते हैं, यही खाना पीना रहना सोना सब। बस हाँ वैसे हमारा टाइम तो 9 से 5 बजे तक का है, और ऐसे कई बार मैं जैसे सर्दी होती नहीं है। जैसे कि मान लो ये शेड पड़ा है नीचे, ये तो आपके सामने पड़ा होगा। ये पहले पराक्रमा या पराक्रमी है ना, पहले भी इतनी थी, इसके ऊपर दोबारा से फिर भी ना बनी भी। हाँ यही तो परिक्रमा पद। हाँ ये वाला चीज है, पहले भी है, ये पहले की है। इसके ऊपर और दोबारा से डाल रखा है इसमें।
ये तो आप बनाया था, ये तो आप बनाने जाने का रास्ता बनाया। पहले पहले वो रास्ता था ना, वो रास्ता तो पहले तो वहीं था, जब तो पहले इसके यहाँ चारों तरफ लोहे के इंग्लैरन गाड़ के ना और कंटेदार तार लगाई थी, ठीक है। बीस के ऊपर कोई 1978 से कब से है सरकार की रेख देख ली तो इन्होंने फेर ही और जब रिपेयर करी फिर इसकी बाउंड्री वाल हुई इसकी। अच्छा अच्छा, पूरी मैसे के ना कितनी जगह है, 10 कनाल जगह है इसके ऊपर, 10 कनाल जगह। हाँ, ये इनके सवा एक, ये सारे के सारे इनके नाम। हाँ जी, बाहर तो पहले बताते हैं पर बहुत दूर में था ये ना। हाँ, लोगों ने कब्जा कर लिया। हाँ, अभी हजारों साल पुरानी बात है, अब क्या पता, अभी इतनी जल्दी तो कोई छोड़ना नहीं है किसी की। इतना बना हुआ टाइम हमारा जी। हाँ जी, इतना बना हुआ टाइम हमारा, अभी नहीं पता क्या हो रहा क्या। हाँ, चलो बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपको बहुत बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर डाल दी वीडियो, अब मोबाइल है आपके पास? मेरे पास नहीं, आप डाल दियो, अपना यूट्यूब अकाउंट होगा आपका, उस पर डाल दियो। सारे के सारे बुद्ध धर्म के बने हुए, ये अशोक के टाइम के बने हुए सारे कहानी है। जंग लड़ते थे लोगों को मारते पीटते थे, तो महात्मा बुद्ध ने उनको मना किया, तो मना करने ठीक है आज से हम इसमें सारा कुछ है वो नहीं करें, ये सारे कुछ के नक्शे बने हुए हैं, जंग लड़ना, काटना, मारना, पीटना, फिर उन्होंने सब कुछ से बाज कर अपने आप को बचा ली, मना किया। हिंदी वाला ये प्रचार 1958 से लेकर 1900 बंदा पढ़ा कोई, मान ली यूट्यूब पर दिखे कोई, क्यों जी महाराज, ताकि कोई बंदा पढ़का भी सके यहाँ से। हाँ भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हरियाणा टूरिज्म का है, और ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो चनेटी एक जगह है हरियाणा में, वहाँ का है। तो इधर आना हुआ था किसी काम से, तो सोचा कि आप लोगों के पास में ये चीज़ को दिखा दिया जाए, बतला दिया जाए। तो देखिए ये स्तूपा कैसे हैं और कैसे पहले के लोग किस तरह से जो है सो काम करते थे और किस तरह से जो है रहते थे, समझ रहे कि नहीं। और सबों का अपना अपना एक वो धार्मिक रूल है, रेगुलेशंस है, लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं। और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो इसमें घूमे हैं और देखे हैं, मालूम ये चला कि अंदर जाने का रास्ता है ही नहीं यहाँ के गार्ड के द्वारा। और एक रास्ता है जहाँ पुजारी जाते हैं और अपना पूजा करते हैं। एक समय में था कि बुद्ध भगवान जो बता रहे हैं यहाँ गार्ड के द्वारा, मालूम चला कि उनके नाखून हैं तो सर के बाल हैं, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो बाल होते थे, नाखून रहते थे, सहाबा लोग अपने पास रख लेते थे, यादगार के लिए रख लेते थे, उसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पे है। और इन लोगों ने ढक दिया है और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, बस आप चारों बगल घूम सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं, पंचकर्मा कर सकते हैं, धूप दीप अगरबत्ती जला सकते हैं,
और बस अपना एक श्रद्धा है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और ये जो आप झंडा देख रहे हैं लगा हुआ है, ये जो झंडा है ये झंडा बुद्ध धर्म के ही लोग आकर के यहाँ लगा करके गए हैं। तो सबों का अपना अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है सारे धर्मों का, तो सबके रिस्पेक्ट करें। चलिए ठीक है, तो अब हम इतना ही के साथ हम इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। और देख लीजिए किस तरह से है ये आपका हरियाणा टूरिज्म का है, और बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं यहाँ आकर के ज़रूर जो है क्या करते हैं, ये घूमते हैं यहाँ आकर के। देखिए पूरा क्लियर देख लीजिए, और ये है। ठीक है, तो फिर बने रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्रेक दिया जाए।